अदब स्वागत करती हूँ आपका हमारे न्यूज चैनल हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। हल्द्वानी के जिला होमगार्ड कार्यालय में नैनीताल जनपद के लिए विभिन्न विकास खंडों में चल रहे होमगार्ड भर्ती को लेकर हल्द्वानी विकास खंड में बेरोजगार युवाओं की लंबी कतारें देखने को मिली, जहां जिले में कुल होमगार्ड की 187 पदों पर विभिन्न विकास खंडों से भर्ती की जानी है, तो वहीं 187 पदों में 181 पुरुषों व 7 पद महिलाओं के लिए सृजित किए गए हैं। बता दें कि हल्द्वानी विकास खंड में करीब 3000 से अधिक युवाओं ने अपना आवेदन फॉर्म कार्यालय में जमा किया है, तो वहीं बेरोजगारी का क्या आलम है यह तस्वीरों में बयां हो सकता है। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि सरकार प्रदेश में बेरोजगारी के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। इधर मंडलीय कमांडेंट LM जोशी का कहना है कि आचार संहिता के चलते आवेदकों के फॉर्म जमा करे जा रहे हैं, जिसमें आचार संहिता के हटने के बाद ही शारीरिक परीक्षण के लिए तारीख तय की जाएगी। भर्ती हो रही है, ये 27 तारीख को हमने विज्ञापन प्रकाशित किया था, 15 दिन का समय इसमें दिया था, 14 तारीख इसकी लास्ट डेट है। इसमें 188 पुरुष और महिला मिला के दोनों पदों की भर्ती होनी है। इसमें 181 पुरुष हैं और 7 महिला हैं। ये पूरे जनपद नैनीताल के अलग अलग ग्रामीण और शहरी कंपनी और प्लाटूनों की भर्ती है, और ये 25 तारीख से हम लोग इसका फिजिकल हमको चालू होना था, लेकिन आचार संहिता के कारण ये फिलहाल अभी इस पर स्थगित कर दी गई है। इलेक्शन के बाद जब भी जो भी डेट हमको मिलेगी 11 अप्रैल के बाद, तब हम लोग इसको चालू करेंगे। सर, कितने लोगों ने अभी तक का नामांकन किया इसमें? जहाँ तक अभी तक है 1194, कल तक परसों तक फॉर्म आ चुके थे। कल 12 तारीख की डेट में 1172 फॉर्म और आए, लगभग 2300 के आसपास जो है फॉर्म अभी तक जमा हो चुके, और आज भी 7-8 हज़ार संख्या और जानी आनी है। थैंक यू सर। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है उत्तराखंड में, बहुत ज़्यादा। इस बार गवर्नमेंट ने बजट प्रोवाइड किया था, हर चीज़ के बारे में बजट में कहा गया था, लेकिन बेरोजगारी के बारे में कहीं भी बजट में नहीं कहा गया था। हमने गवर्नमेंट में बीजेपी को इसलिए उठाया था, सबने ट्रस्ट किया था बीजेपी पे कि बीजेपी हमारे लिए रोजगार का एक रास्ता बनाएगी, बट बीजेपी ने ऐसा कोई रोजगार का रास्ता नहीं बनाया है। पूरा युवाएँ परेशान हैं इससे, हम लोग हैं, हमने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट चल रहा है इस टाइम, बट इस बार रोजगार का कोई भी नामो निशान नहीं। कहीं से आचार संहिता लग जाती है, पोस्ट होती हैं कैंसिल हो जाती है, पेपर होते हैं लीक हो जाते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर गवर्नमेंट बैठी है, चाहे MLA बैठे या CM बैठे हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से देखें और वो देखें कि कहाँ पर रोजगार है। अब कहते हैं लड़कियाँ आगे बढ़े, कैसे बढ़े, उसका कोई रीज़न नहीं है सर। भर्तियाँ आती है, कैंसिल पहले हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पे इतनी भर भी रहते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा नंबर आना मुश्किल होता है। हम स्टेट में चाहते हैं, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हम स्टेट में चाहते हैं। स्टेट में हम यही दरख्वास्त करूँगी गवर्नमेंट से कि जितनी भी हो सके पोस्टों को आप भेजिए, हम अप्लाई करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसके पीछे, मेहनत हमारी जिम्मेदारी है मेहनत करना, लेकिन आप पोस्ट तो भेजिए। कि आप लोगों का मनोबल लगातार गिरता जा रहा है, मनोबल गिरता जाता है। जब पेपर देते हैं उसके बाद पेपर लीक होता है तो मनोबल तो गिरता ही है सर। इतना मेहनत करते हैं, 10 जगह चीज़ें देखनी पड़ती है, 10 चीज़ें होती है, इतनी टेंशन होती है जॉब कर लेके, परेशान रहते हैं, वो चीज़ें देखनी पड़ती है, इसलिए हम परेशान होते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट से कि रोज़गार के बारे में भी सोचे। जब हम ही रोज़गार नहीं कर पाएंगे, लोग परेशान हो जाते हैं, कोई सुसाइड करता है, कोई कुछ करता है, क्यों इतनी वैकेंसियाँ भेज रहे तो उसको खोल क्यों नहीं रहे, ओपन क्यों नहीं करवा रहे, वो अंदर ही अंदर क्यों भर जाते हैं। गुड नेम, मेरा गुड नेम है बबीता मेहरा।